गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 2 लैंड सॉयल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हरी भरी लैंड जो है वो धीरे धीरे बिल्कुल हरियावल उस पर ख़त्म होती गई और वो कंक्रीट की बिल्डिंग्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्यों हुआ? दिस हैपन ड्यू टू इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सब हुआ। तो वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन इफ़ वी वॉन्ट टू सेव आवर लैंड। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो जो हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंड का यूज़ करके कुछ नया बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फॉरेस्ट कवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अरेबल लैंड जो है हमारी, वो भी ख़राब हो रही है, उसका भी लॉस हो रहा है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास लैंड के रूप में, तो इसको ख़तरा पैदा हो रहा है और इसका नुकसान हम कर रहे हैं। तो देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। तो जो आज जितना भी डिग्रेडेशन हो रहा है सोइल का, सॉरी लैंड का, जो ख़राब हो रही है, तो उसको चेक किया जाना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें अफॉरेस्टेशन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, मतलब जो वेस्ट लैंड है उसको यूज़ करना चाहिए, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं अपने खेतों में, उसको कम करना चाहिए, ओवर ग्रेजिंग को रोकना चाहिए कि जहाँ पर पास्चर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग वहाँ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को वहाँ पे लेके जाया जाता है घास खाने के लिए, तो वो फिर लैंड बेयर हो जाती है और उसके कारण फिर सोइल इरोड होती है, तो इसको रोकना चाहिए। तो नेक्स्ट